प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राज क्लासेस फतेहपुर में। मैं हूं आपका राष्ट्र, ठीक है। आप देख रहे हैं जीएसएस ढांडन ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत व्याख्याता राजू सैनी गणित द्वारा गणित चैप्टर नंबर 9। इससे पहले हम अवकलन कर चुके हैं, अवकलन के प्रयोग के द्वारा हम समाकलन सीखेंगे। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं समाकलन की। विशेष बात बेटा ध्यान दे कि समाकलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स, तीनों में काम आता है। इसके अलावा कॉलेज में अगर आप जाओगे तो भी समाकलन का बहुत बड़ा यूज है। इसके अलावा भी कंपटीशन एग्जाम में भी आपको समाकलन काफ़ी देखने को मिलेगा। तो अच्छा टॉपिक है, सीनियर में भी काफ़ी नंबर कवर करता है समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, इसके अलावा अवकलन। ये अवकलन समाकलन दोनों मिलाकर एक टॉपिक है। तो आप ध्यान से पढ़िए, आप एक काम करिए, रजिस्टर में स्टार्टिंग से हर एक क्वेश्चन और हर एक उदाहरण को कीजिए, साथ में ही सूत्रों को बार बार, जैसे ही आप क्वेश्चंस करेंगे सूत्र याद होते जाएंगे। टाइम कंज्यूम जरूर होगा लेकिन आपको करना है। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक समाकलन। समाकलन शुरू करने से पहले आपको समाकलन के कुछ सूत्र याद करने हैं, और सूत्र याद करने के लिए आपको मैं विशेष बात और बता देना चाहूँगा कि जैसे सूत्र कैसे याद करने हैं। जैसे आपको अवकलन याद है, अवकलन में हमने पढ़ा था कि किसी अचर, ये सी क्या है, यहाँ अचर है, तो हमने ये पढ़ा था कि किसी अचर राशि का अवकलन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। समाकलन एक्चुअल में अवकलन का उल्टा होता है। तो किसी अचर राशि का अवकलन जीरो होता है तो समाकलन का पहली बात तो ये चिन्ह होता है, ये समाकलन जीरो। तो जीरो का समाकलन क्या होगा, सी डीएक्स। ये डिनोट कर रहा है कि ये समाकलन है एक्स के सापेक्ष। डीएक्स ये डिनोट करता है कि समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के। तो यहां जो फलन है वो फलन एक्स का ही होना चाहिए, तभी हम समाकलन कर पाएंगे। और कैसी कंडीशन आएगी उसके बारे में हम अब इस सीनियर के अंदर अध्ययन नहीं करेंगे। तो जीरो का समाकलन सी कांस्टेंट होता है। नंबर दो, एक्स की पावर एन का समाकलन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन बट्टा एन प्लस वन, ठीक है। तो ये जो सामने आपको नजर आ रहे हैं ये समाकलन के सारे सूत्र है जो आपको याद करने, याद वैसे करने जरूरत नहीं, आप लिख लीजिए इनको। आपको मैं बता देता हूँ, आप इसका एक बार एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस समाकलन के सूत्र का। कुछ सूत्र ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़े नीचे और ये लीजिए, बाकी सूत्र ये कंप्लीट हो गए सूत्र। तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी कॉपी में प्रथम पेज पर जो समाकलन शुरू करते हैं वहां लिख लीजिए। जैसे जैसे हमारे काम आते जाएंगे वैसे वैसे हम इनको काम में लेते जाएंगे, ठीक है। जैसे लॉग एक्स का अवकलन एक बटा एक्स होता है तो एक बटा एक्स का समाकलन लॉग एक्स होता है। तो समाकलन मूल रूप से अवकलन का उल्टा होता है। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि इन सूत्रों को लिख लीजिए, अगर आपको अवकलन आता है तो समाकलन आ जाएगा। जैसे हमने पढ़ा कि टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, एक बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से समाकलन अवकलन का जस्ट उल्टा होता है। कैसे काम में लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स द्वारा इसको हम समझते हैं, एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं कि समाकलन को हम काम में कैसे लेते हैं। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स। चलिए सबसे पहले ये ले लेते हैं, x की पावर 6 का समाकलन करना है। आपको समाकलन कितना करना है, x की पावर 6। समाकलन करने के लिए इसके आगे चिन्ह लगा लीजिए dx, ठीक है ना। dx यानी x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। x की पावर 6 का सूत्र है x की पावर n का समाकलन का सूत्र है, समाकलन x की पावर n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1 प्लस c। तो x की पावर 6 का हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 1 बट्टा 6 प्लस 1 प्लस c, यानी x की पावर 7 बट्टा 7 प्लस c, ये समाकलन है। एक विशेष बात और ध्यान देना, समाकलन करते वक्त इस बात का ध्यान रखना, समाकलन का जो सूत्र है, जो सूत्र जैसा लगा हुआ है वैसा का वैसा ही काम आया। जैसे अवकलन में हम क्या करते थे, जैसे साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन करना होता था तो पहले हम साइन का कर लेते थे फिर एक्स स्क्वायर का कर लेते, समाकलन में ऐसा नहीं करोगे। समाकलन में अगर साइन एक्स स्क्वायर है तो साइन एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन नहीं होगा, तभी समाकलन हो पाएगा जब उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले के रूप में होगा। यानी अगर आपके पास साइन एक्स स्क्वायर है ऐसा है तो इसका समाकलन नहीं होता है, समाकलन तभी होगा जब वो साइन एक्स हो। हाँ, एक्स की जगह मान लीजिए साइन
वाई हो और यहाँ डी वाई हो तो भी हो सकता है, लेकिन वो उसी फॉर्मेट में होना चाहिए जिस फॉर्मेट में सूत्र दिया हुआ है। अवकलन की तरह ये काम नहीं करेगा, इस बात को गांठ बांध लो। अवकलन की तरह समाकलन काम नहीं। अवकलन में हम क्या करते थे, साइन एक्स स्क्वायर का कोस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, ये कर लेते थे ना, यहाँ नहीं कर सकते। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ समाकलन साइन एक्स होगा तो ही हो पाएगा। साइन एक्स स्क्वायर है तो उसका समाकलन कैसे होगा वो भी बात करेंगे, लेकिन उसमें कुछ और चीजें दी होगी तो ही समाकलन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो समाकलन करते समय ध्यान रखें समाकलन उसी रूप में होगा जिस रूप में दिया हुआ है। ओके, चलिए, तो एक्स की पावर 6 का मैंने बताया, जैसे कि आपको आगे बात करते हैं रूट एक्स। रूट एक्स का करते हैं समाकलन, रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, कर दो समाकलन, सूत्र होता है एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन प्लस 1/(n+1) प्लस सी, 1/2 और 1 होता है 3/2, और बट्टा में भी 3/2 प्लस सी ये आंसर। तो इस तरीके से इजीली आप समाकलन कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ये आ गया एक्स की पावर 2+1/(x4). मैंने आपको पहले भी बताया जब समाकलन करो तो समाकलन में विशेष बात ध्यान देने की जरूरत है, समाकलन उसी रूप में होगा जिस रूप में दिया गया है। बट्टा का कोई a/b का, x/y का, fx/gx का कोई समाकलन नहीं होता है। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई सूत्र नहीं है कि u/v के रूप में सूत्र अप्लाई कर सके। तो क्या करें, तो हो सके वहां तक एलजेब्रा को जितना हो सके सरल करो, ट्रिग्नोमेट्री है तो उसको सरल करो। ठीक है, करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, x4 का दोनों में भाग लगा सकते हैं। तो ये आ गया x2/x4 प्लस 1/x4 और ये आ गया dx। तो ये आ गया 1/x2 प्लस 1/x4 dx। प्लस में समाकलन जब करना हो तो दोनों को अलग अलग कर सकते हो, अलग अलग कैसे, 1/x2 dx प्लस 1/x4 dx। अब समाकलन का सूत्र आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो देखिए कि उस स्क्रीनशॉट में ये सूत्र होगा कि 1/(x)n का समाकलन होता है -1/(n-1) x^(n-1)। ये समाकलन दिखता है डायरेक्ट, प्लस सी लिखना नहीं भूलिए, अचर नियतांक ये जरूर आवश्यक रूप से आएगा। ये क्यों आएगा इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ गया 1/(x)2, n की जगह क्या है 2, तो -1/2 में से गया 1 x^1 प्लस इसका आएगा -1/(n-1) 4 में से गया 3 x^3 प्लस कॉन्स्टेंट। एक विशेष बात और ध्यान दें कि जैसे हमने यहाँ एक बार समाकलन में प्लस सी करते हैं तो क्वेश्चन नहीं उठता है कि हमने इसका भी समाकलन किया, इसका भी समाकलन किया, तो क्या दोनों में दो चर आएंगे सी सी, नहीं, अचर आप एक ही लिखेंगे, स्वेच्छेचर एक ही लिखेंगे। इसका कारण बता देता हूं, मान लीजिए इसका समाकलन किया तो स्वेच्छेचर आया, सी की जगह सी1 आ गया, इसका c2 आ गया, तो c1 भी एक अचर है, c2 भी एक अचर है, तो दोनों जुड़कर भी तो एक अचर ही है, दो अचर जुड़कर भी एक अचर है, तो उसको कंबाइंड रूप से सी लिख सकते हैं। तो अगर एक लाइन में आप 10 समाकलन भी करें तो आपको कॉन्स्टेंट सिर्फ एक ही लिखना है, 10 बार नहीं लिखना है, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों यहां इसको और कर लेते हैं, तो ये आ गया -1/(x) -1/3x2 प्लस सी, ये इसका फाइनल समाकलन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं हम। ये आ गया ट्रिग्नोमेट्रिकल एग्जाम्पल, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है sin²x/1+cos x। तो मैंने पहले भी कहा था u/v का कोई समाकलन नहीं होता है, अगर आपको करना है तो आपको ऐसी व्यवस्था देखनी होगी जिस व्यवस्था के तहत इसको किया जा सके, वो व्यवस्था होगी या तो एलजेब्रा लगाओ या त्रिकोणमिति लगाओ। यहां त्रिकोणमिति अच्छे से लग रही है, जैसे कैसे साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1-cos²x। एक बात और बता देता हूं कि समाकलन का जो आपके सीनियर तक है उसमें ऐसा कोई ना कोई जुगाड़ जरूर होगा जिससे कि ये व्यवस्थित रूप से कट सके, क्योंकि बिन समाकलन नहीं होने वाला पद आपको नहीं देगा, तो ऐसा ही पद आपको मिलेगा जैसा समाकलन संभव है। तो हमने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स को 1-cos²x, 1-cos²x को लिख सकते हैं 1-cos x और 1+cos x
बट्टा 1 प्लस कोसेक्स डीएक्स, ये 1 प्लस कोसेक्स से कोसेक्स कैंसिल, ये आ गया 1 माइनस कोसेक्स डीएक्स, अलग अलग कर लो 1 डीएक्स माइनस कोस एक्स डीएक्स, 1 का समाकलन होता है एक्स, कोसेक्स का समाकलन होता है प्लस का साइन एक्स प्लस का शीश, ये समाकलन देख लेना कौन कौन सा किसका होता है, वो स्क्रीनशॉट लिया ना उसको सेव करके रखें, ठीक है ना, वही काम आएंगे आपके। तो x माइनस साइन एक्स प्लस सी इसका समाकलन हो गया, ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स प्लस एक, विशेष बात ध्यान देंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे आप, हमेशा ध्यान रखना इस चीज का कि हर और ऊपर वाले के अंश, हर में चर की घात बड़ी होनी चाहिए, हमेशा अंश में चर की घात से, यहां घात से मेरा मतलब है अधिकतम घात, जैसे ऊपर अधिकतम घात कितनी है 2, नीचे अधिकतम घात कितनी है 1, कम है, जबकि मैं क्या कर रहा हूं हर में जो घात है वो होनी चाहिए बड़ी, तो बड़ी नहीं है, क्या करें, तो इसका उपाय है, इसका उपाय एक ही है कि इसका इसमें लगा दो भाग। चलो लगाते हैं, एक्स स्क्वायर में एक्स प्लस वन का भाग लगाएं, कितनी बार गया एक्स बार गया, आया एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस माइनस ये कैंसिल माइनस वन, ठीक है सॉरी कितनी बार गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया और ये बच गया माइनस एक्स, कितनी बार गया माइनस एक बार, माइनस एक्स माइनस वन कैंसिल कैंसिल बच गया वन, तो ये शेषफल, ये भाजक और ये भागफल। तो इसको व्यवस्थित रूप में कैसे लिखा जाता है, इसको व्यवस्थित रूप में लिखने का तरीका होता है कि इसके बराबर लिख दो भागफल क्या आया है एक्स माइनस एक प्लस शेषफल कितना आया है एक बट्टा भाजक कितना है एक्स प्लस वन, इस तरीके से इसको व्यवस्थित लिखा जा सकता है। तो हमने इसको व्यवस्थित लिख दिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये रफ काम है इसको मैं मिटा देता हूं, आगे बढ़ते हैं, आगे करना क्या है इसका समाकलन करना है। तो प्रत्येक पद का अलग अलग समाकलन करेंगे, सबसे पहले x का समाकलन करेंगे, x का समाकलन होता है x की पावर 1 हो गया, n वाला सूत्र x की पावर n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1, तो x की पावर 1 प्लस 1 2 बट्टा 2, माइनस 1 का समाकलन होता है x सूत्र में मैंने लिखवाया हुआ है, 1 का समाकलन x होता है प्लस 1 बट्टा x का। अब मैंने आपको कहा था कि जब समाकलन करें तो वह उसी फॉर्मेट में होना चाहिए जैसे 1 बट्टा x का log x होता है, लेकिन 1 बट्टा x प्लस 1 का नहीं बताया मैंने उसमें, तो एक बात और बता देता हूं कि इसमें अगर अचर जुड़ा हुआ है तो इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, अचर जुड़ सकता है, चर नहीं होना चाहिए कोई दूसरा, ठीक है ना। तो इसको हम 1 बट्टा x को मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं, तो 1 बट्टा x का समाकलन होता है log x प्लस c, ये आपका आंसर होगा। तो इसलिए इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले वही बात है, अंडर रूट एक्स का समाकलन पता है, लेकिन अंडर रूट में साइन एक्स का समाकलन नहीं पता है, तो त्रिकोणमिति लगाइए। त्रिकोणमिति क्या कहती है, 1 प्लस साइन 2x, देखिए 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो एक तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ठीक है ना। 1 को हमने लिख दिया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, तो कहने का मेरा मतलब है कि 1 प्लस sin 2x को हम लिख सकते हैं cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, 1 माइनस sin 2x को हम लिख सकते हैं cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, विशेष कंडीशन को छोड़कर 1 प्लस cos 2x को लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर x, और 1 माइनस cos 2x को लिख सकते हैं हम 2 sin स्क्वायर x। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन तीन चारों सूत्रों का, बहुत काम के सूत्र है, बहुत काम में आने वाले हैं, ठीक है। तो
आगे बात करते हैं। इसका करना है अपने को समाकलन, तो अंडर रूट वन प्लस साइन टू एक्स, वन प्लस साइन टू एक्स का फॉर्मूला है कोस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया कोस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब अंडर रूट से स्क्वायर हट गया तो ये आ गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स dx, अलग अलग कर देते हैं, ये कोस एक्स dx प्लस साइन एक्स dx, कोस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स, साइन एक्स का होता है माइनस कोस एक्स, और दोनों का अचर एक साथ c, ये आपका समाकलन है। तो मूल बात है, सूत्र अगर आपको याद है तो समाकलन आप आसानी से कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी अभी सूत्र बताया था 1 माइनस कोस एक्स और 1, तो लगा दीजिए 1 माइनस कोस 2x है यहां, और नीचे है 1 प्लस cos 2x, दोनों सूत्र काम में आ जाएंगे जो दोनों अभी लिखवाए थे, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ना आपका, तो 1 माइनस cos 2x होता है 2 sin स्क्वायर x, और 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x dx, 2 से 2 कैंसिल, sin बट्टा cos 10, तो ये आ गया 10 स्क्वायर x dx, 10 स्क्वायर x का भी कोई फॉर्मूला अपने पास नहीं है, 10x का जरूर है, 10 स्क्वायर x का नहीं है, मैंने फिर कह देता हूं मैं कि x स्क्वायर के फॉर्मूले से ये नहीं होगा, ये 10 स्क्वायर का ही फॉर्मूला होना चाहिए, नहीं है तो 10 को और किसी में बदलो, किसमें बदल सकते हो, 10 को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब कर देते हैं sec स्क्वायर x का डायरेक्ट अपने पास समाकलन है, sec स्क्वायर x का समाकलन होता है 10x, तो sec स्क्वायर x का समाकलन हुआ 10x माइनस 1 का समाकलन होता है x, और प्लस का c जो आपका फाइनल आंसर होगा। तो आसानी से अगर आपको त्रिकोणमिति आती है तो बहुत ही सरल तरीके से आप इनके समाकलन कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 1/1 प्लस cos x, 1/1 अगर और कुछ होता, 1/1 प्लस x होता तो लोग ले लेते, लेकिन cos x है तो cos x का समाकलन, cos x तो अलग फलन हो गया, 1/x अलग फलन हो गया, तो इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन जब आ जाए, 1/1 प्लस cos x आ जाए या 1/1 प्लस sin x आ जाए, दोनों ही कंडीशन में आपको करना है संयुग्मी से गुणा। अब ये संयुग्मी कौन सी चिड़िया आ गई भैया, तो संयुग्मी होती है अगर यहाँ प्लस चिन्ह है तो आपको क्या लेना है, माइनस चिन्ह, तो माइनस चिन्ह लेंगे, एक बार dx को इधर से गायब कर देते हैं, 1 माइनस cos x बट्टा 1 प्लस, सॉरी बट्टा 1 माइनस cos x को ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, इससे फायदा क्या होगा, ऊपर तो आ गया 1 माइनस cos x और नीचे आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x dx, 1 माइनस cos x को छोड़ दो और 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है sin स्क्वायर x dx, अलग अलग भाग लगा दो, 1 बट्टा sin स्क्वायर x माइनस cos x बट्टा sin स्क्वायर x dx, 1/ sin स्क्वायर x होता है cos स्क्वायर x माइनस, यहां देखिए ये आ गया cos x बट्टा sin स्क्वायर x, को हम लिख सकते हैं sin x इंटू sin x, या गुणा 1 cos x बट्टा sin x हो जाता है cot x, और 1/ sin हो जाता है cos x, तो ये आ गया cos x गुणा cot x, तो इसको लिख सकते हो आप cos x cot x dx, cos x स्क्वायर x का समाकलन होता है माइनस का cot x, और cos x cot x का समाकलन होता है माइनस का cos x प्लस कांस्टेंट, तो माइनस cot x प्लस cos x प्लस c, ये आपका आंसर होगा। तो मूलभूत रूप से अलजेब्रा और त्रिकोणमिति आपको आनी चाहिए, अगर वो आती है तो आप आसानी से समाकलन कर सकते हैं। राइट, कोई समस्या है तो पूछ सकते हो, कमेंट्स करके मुझे बता दीजिए कोई समस्या आती है, साथ में अगर चैनल, अगर आपको समाकलन समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर करिएगा, और साथ में ही अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिएगा। चलिए तो इस प्रकार हमने आज पढ़ा समाकलन, समाकलन से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल है सारे कर लेना, चैप्टर नंबर
9.1 के सभी क्वेश्चन कर लेना। जिस क्वेश्चन में समस्या आती है आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा, और कमेंट्स करने के बताने के बाद में अगर क्वेश्चंस की संख्या ऐसी बार बार कोई क्वेश्चन सबकी समस्या आ रही है तो ऐसे समस्याओं का वीडियो मैं फिर से बनाकर आपके सामने डाल दूंगा। और भी कोई समस्या है बने रहिए आपके अपने चैनल राज क्लासेस। Thank you.